नमस्कार, धर्म ज्ञान के खास पेशकश कुंडली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य देवी के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। सर, सबसे पहले तो धर्म ज्ञान के इस खास कार्यक्रम कुंडली में आपका स्वागत है। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आज हम जानेंगे कि खासकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। फिर चाहे हम बात करें उनके आर्थिक जीवन के, उनके वैवाहिक जीवन के, नौकरी पेशा वाले कारोबारियों के लिए, या फिर यूं कहें कि विद्यार्थियों के लिए, और अंतिम पड़ाव में बात करेंगे हम उपायों की। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार कर्क राशि वालों की कुंडली कहें कि उनके ग्रहों की चाल क्या बता रही है। इस मास में ग्रह की जो स्थिति है, आपके लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं, आपके तीसरे स्थान में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, चतुर्थ स्थान में अपने घर में शुक्र बुध की ज्योति बनी हुई है, पंचम स्थान में विद्या स्थान में आपके गुरु बैठे हुए हैं, और छठे स्थान में धनु केतु और शुक्र बैठे हुए हैं, और लाभ भाव में एकादश स्थान में राहु बैठे हुए हैं। ग्रह की यही स्थिति है। चलिए ये तो जान लिया कि आखिरकार कर्क राशि वालों के ग्रहों की स्थिति क्या है। अब बात आती है स्वास्थ्य की। आखिरकार अक्टूबर में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह मास जो है आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आप अपने आप को बेहतर करेंगे, खासकर जल के कारण या लीवर से संबंधित या सीने से संबंधित, क्योंकि आपके रोग भाव के स्वामी जो हैं वो बृहस्पति हैं, और आपके दूसरे स्थान के स्वामी, अरिष्ट स्थान के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं। तो चोट चपेट के कारण, आंखों में थोड़ा चोट लगने के कारण, या पेट फूलना, पेट का सूजन होना, एसिडिटी बढ़ जाना, ऐसे जो है चीज देखने को मिलेंगे। या जब भी आपको सीने से संबंधित परेशानी हो, आपको खांसी हो, या आप सीने में थोड़ा सा दर्द महसूस करें, पैर महसूस करें, तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर से संपर्क करें, अन्यथा थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो सेहत पे खासकर तली पदार्थों से का सेवन कम करेंगे तो सेहत आपका ठीक रहेगा। यानी कि स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा बहुत आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी अक्टूबर में। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थियों। आखिरकार अक्टूबर विद्यार्थियों के लिए कैसा जाने वाला है, उनकी पढ़ाई को लेकर या फिर कहें कि उनके करियर को लेकर। विद्यार्थियों के लिए यह मास काफी बेहतर रहने वाला है। पढ़ाई में आप बेहतर करेंगे, कोई अपने कुटुंबी या कोई अपना आदमी आके आपके समय में थोड़ा सा खलल पैदा कर सकता है, थोड़ा विघ्न पैदा कर सकता है, थोड़ी परेशानियां दे सकता है, इससे बचने का प्रयास करें। आप अपने आप को एकाग्रचित करके पढ़ाई पे ध्यान दें, आप बेहतर करेंगे, और जो आने वाले भविष्य में जो रिजल्ट है, आज का किया हुआ मेहनत, सकारात्मक प्रयास आपके लिए काफी बेहतर रहेगा और आप बेहतर करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति के लिहाज से आखिरकार कर्क राशि वालों जो कारोबारी हैं उनका कारोबार कैसे रहने वाला है, और जो नौकरी पेशा वाले हैं वो उनकी नौकरी में प्रमोशन मिलने वाली है या नहीं। नौकरी पेशा वर्ग को काफी बेहतर होने का योग है। अगर आप अध्ययन से संबंधित हैं, या आप कहीं चलचित्र से संबंधित हैं, या आप संपादकीय कार्य करते हैं, लिखा पढ़ी वाला काम करते हैं, तो आपको आज का दिन जो है काफी बेहतर साबित होगा, और यह माह भी है आपके लिए काफी बेहतर होगा, और नौकरी पेशा के साथ साथ व्यवसायी वर्गों के लिए भी यह माह काफी बेहतर होने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से काफी बेहतरी होने वाली रहने वाली है। आपको लाभ के पूर्ण योग दिख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग की ज्योति के कारण, चूंकि चतुर्थ स्थान में शुक्र और बुध की ज्योति है, यह ज्योति लक्ष्मी नारायण योग की सृजन करता है। इस योग में आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, और आर्थिक दृष्टिकोण से आपके कोष में निरंतर वृद्धि होते रहेगी। चलिए अब बात करते हैं, ये तो आपने बता दिया कि लक्ष्मी नारायण युक्ति है जिसके चलते आपका आर्थिक जीवन अच्छा रहने वाला है, धन दान बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं हम आखिरकार आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग कैसा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग में थोड़ी परेशानियां झलक रही हैं, क्योंकि आपके पत्नी भाव के स्वामी,
आपके प्रेयसी भाव के स्वामी जो है वो शत्रु स्थान में बैठे हुए हैं, तो आपके अपने पत्नी से दाम्पत्य संबंधों में थोड़ी झंझट हो सकती है, परेशानियां हो सकती हैं, और आपको जो प्रेम प्रसंगों में मामला थोड़ा बिगड़ सकता है और कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आपके वाणी के कारण और आपके कठोर वाणी के कारण आप लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के कारण अपने संबंध को खराब कर रहे हैं और चीजों को घर से बाहर लेकर जा रहे हैं। तो प्रयास करें कि बैठ के चीजों को सुलझाएं और छोटी बात को ज्यादा तूल न दे। एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा आदमी कम से कम चुप रहे, अन्यथा परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, घर का मामला बाहरी मामला हो जाएगा और कोर्ट तक पहुंच जा सकता है। इसके लिए संभल के आपको रहना पड़ेगा, यानी कि रिश्तों को लेकर थोड़ा संभलना पड़ेगा, खासकर कर्क राशि वालों को। निश्चित रूप से। चलिए अब बात करते हैं, जो कि देवी के डॉक्टर त्रिपाठी जी बता चुके हैं कि आप में लक्ष्मी नारायण का योग युक्ति बनी हुई है, जिसके चलते आपका धनदान बढ़ेगा, लेकिन फिर भी ग्रहों के चाल के अनुसार आखिरकार आपका आर्थिक जीवन कैसा जाएगा विस्तार पूर्वक जानते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से काफी संपन्नता के योग हैं, क्योंकि जितने बड़े लोग होते हैं उनमें जब तक यह योग नहीं होता है, यह शुक्र बुध की ज्योति नहीं होगी, उनको आर्थिक संपन्नता नहीं मिलेगी, हमेशा विपन्नता में रहेंगे। तो यह जो माह है आप राशि वालों के लिए काफी बेहतर आने वाला है। अगर आप कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, नए कार्यों को लेकर जाना चाहते हैं, कोई सृजनात्मक काम करना चाहते हैं, या बहुत लंबे समय से वो लंबित है, तो उस काम को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। यह काम आज भी बेहतर परिणाम देगा और आने वाले भविष्य में भी यह बेहतर फलदायी होगा। तो निश्चित रूप से आपको इस महीना कोई बड़ा बजट लेकर बढ़ना चाहिए, कोई नए काज को लेकर चलना चाहिए, और अपने आप को बेहतर प्रोजेक्ट करने के लिए, अगर आप चलचित्र में जाना चाहते हैं, मूवी के दुनिया में जाना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, कोई कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ सृजनात्मक काम करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अपने जन्म कुंडली का आकलन करा के और इसके अनुसार आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग राशि की बात कर रहे हैं, आपकी कुंडली की ग्रह स्थिति क्या है वो पहले समझ लें, लेकिन राशि की हम लोग बात करें तो यह माह आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफी संपन्नता देने वाला है। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आप अग्रसर रहें, लाभ मिलेगा। चलिए हम अपने अंतिम पड़ाव उपायों पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कई दर्शक है जो ये जानना चाहते हैं कि जो ये आप हमें मासिक राशिफल बताते हैं, हमारे ग्रह नक्षत्रों की चाल हमें समझाते हैं, आखिरकार वो किस आधार पर बताते हैं, किस तरह आप अपनी राशि को जान सकते हैं, आइए इन यही चीजें जानते हैं हम। जी देखिए, राशि जो है वो ये चंद्र के आधार पे हम लोग बात करें, जैसे हम अभी हम लोग कर्क राशि की बात करें, तो कर्क राशि की बात करें तो हमारे लग्न में चंद्रमा आ गए और इसी को आधार मान के हम लोग राशि फल का विश्लेषण किए। लेकिन आज हम लोग जब बात करेंगे तो राशि हमारे धनु राशि में चल रहे हैं, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं तो ये चंद्र राशि के अनुसार बात कर रहे हैं, तभी हम लोग ग्रहों की गणना कर रहे हैं। तो राशि देखने की हमारे यहाँ चार विधियां हैं। पहली विधि है आप अपनी जन्म कुंडली में परीक्षण करके देख लें कि आपके जन्म कुंडली में कौन सी राशि जो है उच्च की है। आपकी सूर्य राशि उच्च की है तो सूर्य राशि के अनुसार अपनी राशि फल पड़े, अगर आपकी चंद्र राशि उच्च की है तो चंद्र राशि के अनुसार अपनी राशि फल का अध्ययन करें, आपकी जन्म कुंडली में जो उच्च का है उसका अध्ययन करें। दूसरी विधि है आपकी जन्म कुंडली में, अगर आपके आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो अगर आपको ये जानकारी है कि आपके आप जब जन्म लिए थे तो आपका ये नक्षत्र था, तो मान लीजिए ज्येष्ठा नक्षत्र में आपने जन्म लिया, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जो हैं उनका राशि पर अध्ययन करें। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जैसे या अक्षर आता है तो आप या से अपना नाम रखें, तो आप अपने नक्षत्र के अनुसार अपनी राशि फल का अध्ययन करें, आपके जीवन में चरितार्थ होगा। तीसरी विधि है अगर आपको नक्षत्र भी पता नहीं है तो आप अपने साल का, जैसे कोई बताता है कि 28 तारीख का मेरा जन्म है, 15 तारीख का जन्म है, तो आप ये डेट पता कर लें और उस डेट के अनुसार जो राशि बनती है वो भी आप राशि अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको ये भी पता नहीं है कि आपका किस तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आपका जो नाम है, जिस नाम से आप विख्यात हैं, जिस नाम से लोग आपको जानता है, सर्टिफिकेट का नहीं, जिस नाम से आपको लोग कॉल करता है, जिसको आवाज देता है, जिससे बुलाता है, जिससे जो आपका रजिस्टर्ड है, उस नाम का पहला अक्षर ज्ञात करें, वह नाम जो है आपके लिए वही आपके संपूर्ण जीवन में चरितार्थ होगा। उसका राशि पता करें और वही राशि फल का अध्ययन करें, वही आपके लिए लाभप्रद होगा। तो राशि देखने के ये चार विधि है। चलिए ये तो हमने डॉक्टर त्रिपाठी जी से जान लिया कि राशि देखने की कौन कौन सी विधियां हैं, अब बात आती है उपायों। चलिए अब जानते हैं
कि आखिरकार कर्क राशि वालों को अक्टूबर में कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आने वाली कोई भी विपत्ति हो वो टल जाए। कर्क राशि वालों के लिए, चूंकि अभी जो दाम्पत्य संबंध में या आपका पैसा फंस जा रहा है या साझेदारी में परेशानी हो रही है, अगर आप ज्वाइंट वेंचर में काम करेंगे तो पैसा फंसेगा, आपका पैसा ना फंसे या पैसा फंसा हुआ है तो उसके लिए क्या करें, तो निश्चित रूप के से शनिवार के दिन मस्टर्ड ऑयल जो होता है, सरसों का तेल, आप अपने शरीर में पूरे सर से लेके पांव तक लगाएं और जो बच जाता है उसको कहीं आप कहीं पीपल के पास रख दे या किसी को दान दे दे, वो भी यूज कर जाए, खाने में प्रयोग न करे। और उसके साथ अगर आपके नजदीक में अगर कहीं मंदिर बन रहा हनुमान जी का, तो आप जो है लोहे का अगर दान करते हैं या हनुमान जी के गेट में अगर लोहे का एक गेट बनवा के देते हैं, तो यह जो केस मुकदमा वाला परिस्थिति है या जो धोखा वाला है या जो साझेदारी वाले में जो बिकट परिस्थितियां बनी हुई है, दुराव वाली स्थिति है, चोट चपेट वाली स्थिति है, आपको कष्ट होने वाला है, उसमें आपको राहत मिलने के जोग बन जाएंगे। और शनिवार के दिन काला कपड़ा जो है निश्चित रूप से उसमें उड़द और काला तिल रख के उसमें 10 या 11 रुपया रख के शनि के मंत्रों को पढ़ते हुए आप निश्चित रूप से आप दान करें। अगर संभव हो तो शनिवार के दिन से प्रातःकालीन उठते हुए आप जब जैसे सुबह में उठते हैं, बिस्तर पे उठने के बाद आपके आंख में कीचड़ लगा रहता है, सलाइवा लगा रहता है, तो उसी समय उठते हुए बिस्तर पे पूरब के तरफ अपना मुख करके आपको यह मंत्र पढ़ना है। मंत्र है कि ओम कोणस्थ पिंगलो बभ्रो कृष्ण रौद्रंतको यमः सौरी सनिश्चरो मंदः पिपलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय पठेत सनिश्चरा कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। इस मंत्र को पढ़ते हुए, इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ है कि यह जो शनि का 10 नाम है, इसको प्रातः कालीन जो बिना ब्रश किए बिना नहाए इसको जो उठते हुए जो पढ़ता है, प्रातरुत्थाय यह पठेत, सुबह में उठते हुए इसको जो पढ़ता है, तो शनि के द्वारा किया हुआ पीड़ा आज भी नहीं होगा और भविष्य में भी नहीं होगा। इसके बाद यह पढ़ के दाहिना जो है पांव धरती पर रखे और रिंग फिंगर से आप जो है धरती को प्रणाम करें और जो मिट्टी हाथ में मिलती है अपने फोरहेड पर लगाएं, दाहिना पांव रख के अपनी दिनचर्या शुरू करें। यह मास आपके लिए सुखद बीतेगा, उत्तम बीतेगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। चलिए, ये कुछ उपाय हैं जिनके करने से आप पर आने वाला संकट टल सकता है। सर, आपने हमारे कर्क राशि वाले जातकों को उनका अक्टूबर का मासिक राशिफल बताया और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।